ऊपर में जब ये बन रहा था तो हमने कहा कि भाई आपदा प्रबंधन का है तो यहाँ हेलीपैड भी बनना चाहिए। ये कंफ्यूजन में नहीं रहा जी कि हेलीपैड बना है पुलिस के लिए, कहा कि हम पुलिस को तो हेलीकॉप्टर देने को तैयार है, अभी तक नहीं लिए ये हेलीकॉप्टर। डीजीपी बदलते रहते हैं, निर्णय ही नहीं लेते, हम तो कहा पुलिस को एक हेलीकॉप्टर देना चाहते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बैठे हुए सब ना अभी डीजीपी है, कौन कौन बनिएगा डीजी कब सीनियर होते होते, तो जरा जान लीजिए, डिसीजन भी नहीं लेते। तो यहां पर का जो हेलीपैड है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हेलीपैड, ये रूटीन काम के लिए नहीं। यहां से कोई जाए वो उस तरह का अगर कोई डिजास्टर हुआ तो हमारे पास हेलीकॉप्टर भी है, उड़ करके अगर यहां आ गया तो यहीं से दूर दूर तक जाकर देखेंगे कि स्थिति क्या है इनके जो सेंटर के लोग हैं। तो इसलिए ये जो भवन बना है इसकी खासियत है। दूसरी बात है पुलिस, जरा जान लीजिए कैसा बिल्डिंग है, सरदार पटेल भवन जिसमें पुलिस मुख्यालय रहेगा, आप लोग भी जान लीजिए इसका बैकअप 12 दिनों का रहेगा, यानी जितने आप लोग अफसर हैं, आपके जितने कर्मी हैं, जो यहां रहेंगे अगर कोई वैसा सिचुएशन आया, हम तो कुदरत से यही प्रार्थना करेंगे कि ना आए ऐसा सिचुएशन, लेकिन ऐसा सिचुएशन आया तब भी ये बैकअप आपको इस कैंपस में 12 दिनों का है, 12 दिनों तक लगातार आप यहां रह सकते हैं। तो आप जरा बताइए इतने पुलिस वाले भी यहां रह जाएंगे और आपदा प्रबंधन का भी रहेगा तो बुरी से बुरी स्थिति में भी कुछ तो कर सकते हैं हम लोग। और इसके पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था कि आप कुछ कर सकते थे, इसलिए अब हम लोग कुछ कर सकते हैं, वर्स्ट सिचुएशन में भी लोगों की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं। 12 दिन बैकअप होगा, बिना किसी बाहरी सहयोग के 12 दिनों तक आप लोग यहां सुरक्षित रह सकते हैं। वैसे तो सबको सुरक्षा करने की आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन हम लोगों की चिंता है कि जरा आप भी सुरक्षित रहिए, समझ गए ना? तो हम लोग तो आपके सुरक्षा का भी सोचते हैं, अब आप लोग सोचिए कि नहीं जनता की सुरक्षा, ये काम तो आप लोगों का, ये काम तो पुलिस का, कानून बना करके पुलिस को शक्तियां दी गई है, कानूनी अधिकार दिया गया है। तो हम तो जब सरकार में है तो सरकार की तरफ से इतनी चिंता करते हैं, आपकी सुरक्षा की चिंता करते हैं, लेकिन मेरी तो अपेक्षा है कि जब सब करते हैं तो आप लोग भी तो कुछ कीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा लोगों को, छोड़ दीजिएगा भगवान भरोसे, कुछ क्रिमिनल के भरोसे, जो मन में आए सो करे। अब इतना बड़ा काम किया शराबबंदी, और जगह जगह पकड़ा रहा है, लेकिन सब जगह ऐसा ही पकड़ा रहा है, जिसका गाड़ी गड़बड़ है, पता ही नहीं चल रहा है, ये सब कुछ बुझा नहीं रहा है। तो कुछ तो सोचिए अंदर अंदर कैसा कैसा तंत्र चलता है, इन सब चीजों के बारे में भी चोली सोचिए। लोकतांत्रिक सरकार ऐसी है कि अपने पुलिस वालों के लिए सबके लिए चिंता करती है, लेकिन क्यों चिंता करती है कि जिसकी जो जिम्मेवारी है वो जरा चिंता करे। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऐसा आपके लिए सुरक्षित मुख्यालय दिया गया है और सरदार पटेल के नाम पर दिया।